जागो इंडिया, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। दिल्ली के एक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट करेगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ईडी ने किया गिरफ्तार, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया को पेश कर ईडी मांगेगी रिमांड। ईडी ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल नंबर 1 से किया गिरफ्तार, गुरुवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया सिसोदिया को गिरफ्तार। ईडी ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार, 2 दिन से करीब 14 घंटे तक जेल के अंदर सिसोदिया से हुई पूछताछ। ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान नहीं दिए हैं संतोषजनक जवाब, आबकारी केस में के कविता की भूमिका और 100 करोड़ की किकबैक को लेकर पूछे गए थे सवाल। ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे, साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ जुटाने में मदद की, गोवा में असेंबली इलेक्शन में भेजे गए थे पैसे। ईडी की चार्जशीट में के कविता का भी नाम, एक एग्रीमेंट के तहत पैसे एडवांस में दिए गए थे, इसके बदले में इस ग्रुप को मंचा फायदा मिला। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तिहाड़ जेल से सिसोदिया ने देश के नाम लिखा लेटर, कहा राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। केजरीवाल का केंद्र पर अटैक, कहा कि कल बेल पर है सुनवाई, सिसोदिया छूट जाते इसलिए आज हुई गिरफ्तारी। संसद में महिला आरक्षण बिल की मांग पर बीआरएस नेता के कविता का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठेंगी के कविता। के कविता का दावा, 18 विपक्षी दल धरने में शामिल होंगे, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मिलकर दिया धरने में शामिल होने का न्योता। के कविता के धरने में कांग्रेस नहीं होगी शामिल, के कविता ने किया तंज, कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं। के कविता का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, किसी गठबंधन को लीड नहीं कर सकती। के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने होंगी पेश, ईडी ने और 7 दिन का समय देने से किया इनकार। ईडी पूछताछ को लेकर के कविता ने इंडिया टीवी से की बात, जहां चुनाव होता है मोदी से पहले ईडी आती है, ईडी के हर सवाल का दूंगी जवाब। के कविता ने दिल्ली शराब घोटाले से किया इनकार, कहा टारगेट पर मैं नहीं मेरे पिता केसीआर, चुनाव को देखते हुए ईडी ने मुझे भेजा समय। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के कविता पर पलटवार, कहा कि हर मामले को तेलंगाना की जनता से जोड़ने की बात सही नहीं। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों पर आज धूमनगंज पुलिस सीजेएम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट के जरिए मांगी है जानकारी। उमेश पाल के परिवार ने माफिया अतीक अहमद और उसके शूटर्स के लिए मौत की सजा की मांग की, कहा कि जैसे उमेश पाल को गोली मारी गई वैसे ही उन्हें भी मारा जाए। प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर शांति पाठ में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हुए शामिल, परिवार को इंसाफ का दिया भरोसा। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर में शामिल शूटर साबिर के भाई की संदिग्ध मौत, मोहम्मदपुर गांव के एक खेत में मिला जाकिर का शव। 50 साल के जाकिर के शव पर मिले चोट के निशान, 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के चाचा और बहन ने की शव की शिनाख्त। पत्नी की हत्या का आरोपी जाकिर जमानत पर कुछ ही पहले जेल से हुआ था रिहा, कौशाम्बी पुलिस कर रही है मामले की जांच। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच आज शिखर वार्ता, सुबह 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में मिलेंगे दोनों पीएम। पीएम मोदी और पीएम एंथनी के बीच दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जाएगी, व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा पर भी होगी बात। ऑस्ट्रेलिया के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, पीएम एंथनी की भारत यात्रा का आज 3रा दिन। पीएम मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित, सुबह 10 बजे पीएम करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले विदेश की धरती से ये कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ आज लोकसभा की विशेष अधिकार कमेटी करेगी सुनवाई, बीजेपी सांसदों की शिकायत के बाद राहुल गांधी को भेजा जाता है नोटिस। बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर भ्रामक, अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणी करने का लगाया था आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ में भारत का नेतृत्व करेंगे, 11 से लेकर 15 मार्च तक आयोजन होगा। अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों का आज करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश, 12 तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले शक्ति पीठ महामार्ग के लिए 86,300 करोड़ का प्रावधान। महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग के विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, औंधा नागनाथ, वैजनाथ का होगा पुनर्विकास।
महाराष्ट्र के लिए दूसरे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 600 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार डिजिटल बजट पेश किया। महाराष्ट्र के किसानों को हर साल दिए जाएंगे 6000 रुपए। महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट। 14 मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मात्र 1 रुपए में होगा फसल बीमा। आम लोगों के लिए बीमा कवर 1.5 लाख से बढ़ाकर अब हुआ 5 लाख। मुंबई के विकास के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपए आवंटित। सीएम शिंदे ने कहा सभी वादे पूरे करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरपंचों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। कई मांगों पर बनी सहमति। सीएम बोले आज मीटिंग में होगा अंतिम फैसला। सरपंच ई टेंडरिंग सहित 15 मांगों को लेकर दे रहे थे धरना। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने किसी समझौते से इनकार किया। कहा कि दोपहर 12 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विरोध रहेगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस और जेडीएस पर हमला। कहा दोनों भ्रष्टाचार और पारिवारिक शासन पर करती हैं यकीन। जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस पर लगाया आरोप। कहा कि अपराध में दोनों पार्टनर बैंड संगठन पीएफआई के 1700 सदस्यों के खिलाफ केस खत्म किए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम बंगलुरु पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा त्रिपुरा। चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों के बारे में राज्यपाल से होगी बात। त्रिपुरा जाने वाले कांग्रेस के 3 संसदीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद अब्दुल खालिक के अलावा रंजीत रंजन भी होंगे मौजूद। राजस्थान में वीरांगनाओं के धरने पर गवर्नर और सीएम आमने सामने। गवर्नर ने मुख्यमंत्री को मांगों पर ध्यान देने को कहा। सचिन पायलट के घर पर वीरांगनाओं का धरना प्रदर्शन। कहा हम ही जानते हैं कि हमारा घर कैसे चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने राजस्थान की डीजीपी को लिखा पत्र। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हमले के आरोपों की करेंगे जांच। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गंभीर हालत में भोपाल रेफर। राजगढ़ जिले की जीरापुर के विजय कॉन्वेंट स्कूल के सामने की घटना। पुलिस ने ड्राइवर पर दर्ज किया मामला। कार को किया जब्त। दिग्विजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स से की बात। घायल युवक के स्वस्थ होने को लेकर हालचाल जाना। छपरा में पीट पीट कर हत्या मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। एसपी ने 2 की जानकारी दी। गौमांस के शक में एक शख्स की हुई थी पिटाई। स्थानीय लोगों पर है आरोप। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लोगों का प्रदर्शन। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। AIMIM ने भी औरंगाबाद का नाम बदले जाने का विरोध किया। सांसद इम्तियाज जलील ने कैंडल मार्च निकाला। पटना के जेठली में 2 गुटों के बीच कुछ दिन पहले पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लुधियाना में एक डेंटल अस्पताल और कॉलेज में एक शख्स दीवार फांद कर लड़कियों के हॉस्टल में घुसा। एक छात्रा की गर्दन पर चाकू रखकर छेड़छाड़ की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी भागा। पीड़ित छात्रा के बयान के बाद गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मदद कर आग पर पाया काबू। दिल्ली के छतरपुर इलाके में ऑडी कार जलकर खाक। हादसे में कोई घायल नहीं। बिहार के पटना में स्लम एरिया में लगी आग। कई घर जलकर राख हुए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह में रेप के आरोपी पर कसा शिकंजा। पुलिस ने आरोपी के अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। महिला पुलिस के जवानों ने किया कार्रवाई का नेतृत्व। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की संपत्ति को भी जब्त किया गया। पुलिस के मिर्जापुर में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में खुलेआम फायरिंग करने का आरोप लगा। वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं आरोपी। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक जब्त की। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में कार में एक शख्स की डेड बॉडी मिली। परिवार के मुताबिक नशे के आदि खात शख्स शराब की ओवरडोज से मौत की आशंका। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक घर में चोरी करने के बाद पुलिस के साथ हुआ एनकाउंटर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने लाठी डंडों से की थी रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई। पुणे में चेन स्नैचर से भिड़ी 10 साल की स्कूली छात्रा। दादी के चेन रहे स्नैचर की कर रही थी पिटाई। भागने पर मजबूर हुआ बदमाश। स्कूटी सवार बदमाश ने महिला की चेन पर मारा झपट्टा। लड़की ने किताबों वाले बैग से बदमाश की पिटाई की। चेन स्नैचर को पकड़ने की कोशिश में गिरी महिला। मध्य प्रदेश में NHM पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। असम के करीमगंज में 3000 बोतल कफ सिरफ बरामद की गई। दवा की कीमत 15 लाख रुपए। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी में 4 लोग डूबे। 4 लोगों के शव बरामद। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद रही। ग्वालियर में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रिकेट प्रेम। मैदान पर जमकर लगाए शॉट्स। सिंधिया प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल का था आयोजन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पत्नी बेटे और बहन के साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल अटैक। यूक्रेन के 10 क्षेत्रों में रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचों को बनाया अपना निशाना। खार्किव पर रूस ने दागे करीब 15 मिसाइल। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हुई। बखमुत के चेसव यार में यूक्रेनी सेना के टैंक्स ने संभाला मोर्चा। रूसी सेना की बढ़त को रोकने की कोशिश जारी। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी में विरोध प्रदर्शन जारी। विवादित मीडिया बिल वापस लेने पर प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए मार्च।
फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म के खिलाफ आंदोलन में छात्र भी हुए शामिल, पेरिस में किया विरोध प्रदर्शन। छात्र प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई भिड़ंत, कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। इसराइल में टेल अवीव हाईवे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले को एयरपोर्ट जाने से रोकने के लिए हाईवे को जाम किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया, पीएम नेतन्याहू को एयरलिफ्ट कर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। नाइजीरिया के लागोस में ट्रेन और बस की टक्कर, 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए जख्मी। पूर्वोत्तर स्पेन में एक माइन में टनल धंसी, 3 जियोलॉजिस्ट की हादसे में मौत हुई। नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल बने नेपाल के नए राष्ट्रपति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग को दी शिकस्त। अहमदाबाद टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उस्मान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, कैमरूनस ग्रीन 49 रन पर नाबाद। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिला। केएस भरत ने ट्रेविस हेड का आसान कैच छोड़ा, हेड ने उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर दी ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत। मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हुए स्कॉप, हवा में उड़ता हुआ स्टैंप्स। ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कोहली स्नैक्स खाते आए नजर, कैमरे में हुई कैद। टेस्ट में फिर वापसी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, WTC फाइनल से पहले BCCI करेगी बात। वर्ल्ड चैंपियनशिप इंग्लैंड का T20 मैच में बांग्लादेश ने 6 विकेट से हराया, 157 रन का टारगेट 18 ओवर में अचीव किया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने लगाई जीत की हैट्रिक, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हुई, मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर में जीता मैच। रणबीर और श्रद्धा की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग, पहले दिन की 15,73,00,000 की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।